Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. So, let's start your second lecture of physics, right? Before starting the new lecture, let's revise the old one in which we have studied about the physics, how and why, how physics is created, kya tha, kaise tha, the definition of physics, and I also explained the definitions, the energy, matter, and how they relate to each other, right? So this was the previous lecture about all. So now let's start the new. Open your books. Fine. Open your books. Page number 2. Okay, I told you to read the page number 2 and this पेज नंबर 3. होप सो कि आप लोगों ने पढ़ा हो. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेयर. ठीक है, अब हमने पढ़ा कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, ये रिलेट कैसे करती हैं. एग्जांपल्स मैंने आपको बताई. ठीक है, मैंने आपको ह्यूमन क्यूरियोसिटी के बारे में बताया, ईच एंड एवरीथिंग इन द प्रीवियस चैप्टर. बट स्टिल, इफ़ यू हैव एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, राइट? ओके, नाउ हम यहाँ से पढ़ते हैं कि कैसे फिजिक्स के और रिलेशंस हैं विद अदर लैंग्वेजेस. ठीक है, लाइक मैथमेटिक्स. ठीक है, फिजिक्स एंड साइंस, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हेयर. फिजिक्स एंड ह्यूमन कंडीशन इम्प्रूव्ड व्हेन मैथमेटिक्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड in physics some 400 years ago, when the ideas of physics are expressed in mathematical terms, they are clear, they don't have multiple meanings that so often confuse the discussion of ideas expressed in common languages. The equation of physics provide compact expressions of relations between concepts. Also, when findings in nature are expressed mathematically, they are easier to verify or to disprove by experiment. Okay, it's see, this is the information about Milky Way galaxy. Our solar system is located in a large spiral shaped galaxy called the Milky Way, and the sun is just one of at least 100 billion stars in the galaxy. So try to read every fact, every पॉइंट इन योर बुक्स, सो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल इंशाल्लाह फॉर यू पीपल. अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि फिजिक्स जो है ना, जो फिजिक्स एंड ह्यूमन कंडीशन और इम्प्रूव्ड हो गई जब मैथमेटिक्स इनकॉर्पोरेट होगी, उसके साथ मिक्स हो गई थी. ठीक है, एक एक्सप्रेशंस बन गई हैं, एक टर्म्स बन गई हैं. ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में आ गए, तो एक चीज़ को और डिफाइन, डिस्क्राइब या कन्फ्यूजन नहीं रह गई थी. सिंपल, अगर ये इसकी इक्वल है तो मतलब ये इसकी इक्वल है. ठीक है, इक्वेशंस बन गई थी हमारे पास, हर चीज़ का प्रॉपर हो गया था. उसकी डिस्क्रिप्शन के अलावा उसके रिलेशनशिप्स और कॉन्सेप्ट हम जो थे वो हम फिर मैथमेटिकल फॉर्म से एक्सप्रेस करते थे. इंशाल्लाह आप आगे इसको पढ़ेंगे. ठीक है, फिजिक्स एंड साइंस. फिजिक्स इज द मोस्ट फिजिक्स इज एट द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस. मोस्ट ऑफ द मेजर डिवेलपमेंट्स इन द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग एंड इवन इन द मेडिसिन हैव बीन मेड बाय फिजिस्ट. ठीक है, अब फिर कहते हैं फिजिक्स हर एक सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स रिलेटेड है. ठीक है, फिर आप वो बायोलॉजिकल साइड से ले लें, जियोलॉजी ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, जिस फील्ड से लेते हैं आप ले लें. ठीक है, अब देखें यहाँ पर, आप देखें, यू हैव ऑलरेडी यूज मैथमेटिक्स इन फिजिक्स व्हेन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट आई एज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू. ठीक है, सो अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर एज. ठीक है, देखें आई करंट चार्ज टाइम, तो ये सारी इक्वे. ठीक है, फिर है टेक्नोलॉजी एंड इंस्पेक्ट ऑन अवर सोसाइटी. फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड, हाउएवर दे आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फिजिक्स इज कंसर्न्ड विद द गैदरिंग नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजिंग इट. टेक्नोलॉजी लेट्स ह्यूमन यूज दैट नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल प्रोसेस. फिजिकल फिनोमेना इज देयर behind every technology and therefore physics has a key role in progress of humankind and in the improvement of quality in life. ठीक है, रीडिंग हम वहाँ से करेंगे. देन सी, यहाँ पर आपको थोड़ा ईजी लगेगा. देखिए पॉइंट्स में है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. ठीक है, 400 ईयर अगो कब इनकॉर्पोरेट हुआ, 400
ईयर्स अगो, ठीक है, इक्वेशंस होगी, एक्सप्रेशंस ऑफ रिलेशन हो गए, बिटवीन कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, वेरिफिकेशन ईजी हो गई। फिर फिजिक्स एंड साइंस देखिए, रूट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, जियोलॉजी, अब जहाँ पे भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में आप ब्रांचेस जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ब्रांचेस से हम स्लोली ग्रेजुअली क्लियर होते हैं रहेंगे कि कैसे फिजिक्स जो है और साइंस से रिलेटेड है। इफ़ यू टॉक अबाउट, इफ़ यू स्टडी अबाउट द जियोलॉजी, जियो अबाउट द अर्थ, अबाउट द लाइफ, सो वहाँ पर भी आप फिजिक्स पढ़ते हो कि ज़मीन कैसे बनी, रेडिएशंस, ये वो, ठीक है। मेडिसिन में आप देखें ना, जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे ये नीचे देखें MRI, सिटी स्कैन, तो ये आप मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पर भी फिजिक्स होती है। अब जैसे आप माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करते हो, तो ये भी फिजिक्स की रेज और वो बैलेंस करती है, ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमी में आपकी यूजफुल होती है। तो इस तरह फिजिक्स जो है ना वो हर एक फील्ड से आपके रिलेटेड है। अच्छा देखें, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अवर सोसाइटी। बच्चे टेक्नोलॉजी और सोसाइटी जो है ना ये एक दूसरे के बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। कैसे रिलेटेड है ये, फिजिक्स गैदरिंग नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखें, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर यूज़ करती हूँ, जैसे सिटी स्कैन हो गया, सिटी स्कैन, MRI, ठीक है, ये मशीन्स हैं आपकी टेस्ट करने के लिए, आपकी बॉडी टेस्टिंग के लिए, राइट, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सोसाइटी पे ह्यूमन यूज़ कर रहा है ना, तो इसके एक दूसरे पे इम्पैक्ट है ना, ठीक है। ये देखिए, फिजिक्स प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर डिवेलपिंग न्यू इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर मेडिकल एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी स्कैन, ठीक है, दिस इज द एब्रिविएशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI एंड लेजर सर्जरीज, इमेज शोन एंड एडवांस मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस कॉल PET, ठीक है, पोस्टर्न इमेशन टोमोग्राफी, सी दिस इज मेडिकली यूज होती है ना, लेकिन फिजिक्स इसमें रिलेटेड है। When the use of physics and information technology has improved the standard of communication, mobile cell phones are commonly used even by illiterates. Holograms technology is a three-dimensional image created with photographic projection. The hologram technology also incorporated in cell phones. See, physics is everywhere. आपकी daily life में, आपकी medical life में, आपकी world में, आपकी जो geo है, आपकी earth में, आपके sky में, everywhere this is incorporated. ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने physics का relation पढ़ा maths के साथ, देन हमने फिजिक्स का रिलेशन पढ़ा साइंस के साथ, एंड देन टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। कुरान एंड फिजिक्स, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट देयर आर मोर देन 700 आया इन कुरान डीलिंग विद द नेचुरल फिनोमेना, मे दिस आया ऑफ कुरान आस्क मैनकाइंड टू स्टडी नेचर, फ्यू आर डिस्क्राइब्स। अच्छा, कहते हैं कि कुरान में 700 तकरीबन 700 आयातें ऐसी आई हुई हैं जो कि नेचुरल फिनोमेना, जो चेंजेस आई हुई हैं इसके बारे में बताई जाती हैं। वो इसीलिए कहते हैं, बताई जाती हैं कि शायद उसका इशारा हो कि इंसान पढ़े इसके बारे में, नेचर के बारे में ज़्यादा जान सके, ठीक है। कुछ आपकी बुक में डिस्कस हुई हुई हैं, तो आई विल जस्ट रीड द ट्रांसलेशन, राइट बच्चे, बट यू मस्ट रीड ईच एंड एवरी लाइन। आपको जस्ट इस एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आएंगी जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। द सन इज नॉट टू ओवरटेक द मून, नॉट इज द नाइट to outspace the day, each floats in an orbit. ना तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जाके पकड़े, और ना रात ही दिन से पहले आ सकती हो, सब अपने दायरे में तैर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, इट साइंस भी इसमें है, लेकिन एज अ मुस्लिम आई हैव ईमान ऑन ऑल दिस कि नहीं, दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह पाक की ज़ात ये सब कुछ चेंजेस करता है, लेकिन साइंटिफिक वे भी है कि कैसे ये चेंजेस आती हैं, क्यों आती हैं, ठीक है। ओ कंपनी ऑफ जिन एंड मैन, इफ यू कैन टू क्रॉस लिमिट स्काइज एंड अर्थ देन क्रॉस, यू विल नॉट क्रॉस एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी, ठीक है। ए ग्रो जिन जिनो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकते ही नहीं हो, ठीक है। इट्स नॉट इन योर हैंड, ठीक है, आप इस गैलेक्सी से बाहर खुद नहीं जा सकते, आप खुद मर नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना हो, ठीक है।
फ्रॉम अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह है अथॉरिटी। लेकिन फिर हम देखते हैं ना कि डेथ कैसे कॉज हो जाती है, बर्थ कैसे होती है, ह्यूमन बींग सर्वाइव कैसे करता है, फिर उसकी पूरी लाइफ एक प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस को हम साइंटिफिक वे से भी पढ़ते हैं। ही हु क्रिएटेड सेवन हेवन्स इन लियर, यू सी नो डिस्क्रिपेंसी इन द क्रिएशन ऑफ कंपसनीट, लुक अगेन कैन यू सी एनी फॉल्ट। इसने सात आसमान ऊपर तले बनाए, रहमान की अफरिश में कोई नुक्स देखा है, ज़रा आँख उठाकर देख तुझको कोई शगाफ नज़र आता है। इट इज़ अल्लाह हु क्रिएटेड ईच एंड एवरी थिंग, द सेवन स्काईज, द अर्थ, द ह्यूमन बींग, द वर्ल्ड, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ईच एंड एवरी थिंग। सो यू कैन सी एनी माइनर मिस्टेक इन ऑल दिस? नो, ठीक है, नो। डू दे नॉट थिंक, क्या वो सोचते नहीं हैं? डू दे नॉट कंटेम्पलेट, ठीक है, क्या ये गौर नहीं करते? डू दे नॉट लुक, क्या ये लोग देखते नहीं हैं? सो दिस इज़ ऑल एंड में आपको बताते हैं कि क्या ये लोग सोचते नहीं हैं, एक चीज़ को देखते नहीं हैं, फिर उसको गौर से नहीं देखते, ठीक है। सो मतलब फिक्र हो जाती है ना कि अब आप लेट सपोज हमने स्टार्ट में पढ़ा था हाउ एंड वाई, ठीक है, कैसे ज़मीन बनी, क्यों बनी, अगर हम थोड़ा उस पर फोकस करें, ठीक है, इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, सो वट वी विल डू, We will study from Islamic point of view, scientific point of view. Then we will come to know that how it is created, for what purpose it created, and how it will be survived. So this is all about physics. I think this is enough for today. Kindly read the book. Maine jo notes banaye hain, I'll send you a picture. And notes of the whole chapter, you can take the notes from your school, inshallah. ठीक है, then we will follow those notes. And also for the English, you can buy the notes from the school. So we will follow the same notes, okay? Stay home, stay safe. Allah Hafiz, take care.